हे एवरीवन, मैं सरिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हॉल है ड्रेसेस का हॉल, थंबनेल से ही पता चल गया होगा। टोक्यो टॉकीज ब्रांड है, एक ही ब्रांड से सारी ड्रेसेस हैं। और अच्छा, ये ब्रांड आपको मिंत्रा पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। बट ये जो मैंने ड्रेसेस मंगाई है, मैंने टोक्यो टॉकीज ब्रांड से मंगाई है। तो आपको अगर मिंत्रा और फ्लिपकार्ट से ना सर्च करना पड़ेगा। अगर मेरे पास, मैं ढूंढूंगी, लिंक मिल गया तो मैं शेयर कर दूंगी। अदरवाइज फ्लिपकार्ट सॉरी टोक्यो टॉकीज वाला लिंक तो रहेगा ही, वो शेयर कर दूंगी। अच्छा, जो ड्रेसेस हैं, मैंने कोशिश किया है कि अफोर्डेबल हों और अच्छी हों, और ऐसी ड्रेसेस हैं ना जो आप कैजुअली भी पहन सके, बर्थडे में भी पहन सके। तो फिर लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। तो जो सबसे पहली ड्रेस है वो ये ब्लू कलर की वन शोल्डर ड्रेस। इसके बारे में पहले मैं बता दूं, ब्लू कलर में है, नेवी ब्लू कलर। अच्छा, मैंने इसका ना पैकेट खोल के रख लिया पहले इसका पैकेट मैंने खोल लिया, अभी बाकी नहीं खोला है, बाकी सारे पैक हैं, बट ये वाला मैंने खोल के रख दिया था। तो ये ड्रेस है, और ये पिक्चर में लगा दूंगी तो आइडिया लग जाएगा। साइज मैंने स्मॉल ऑर्डर की है, 906 रेट है इसका, और मैं बस साइज के अकॉर्डिंग ही ड्रेस ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा यहीं पर टाइट होता है। बाकी तो क्योंकि मेरी बॉडी टाइप जो अगर मैं बात करूँ ना, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल है, ये चीज़ मेरा शोल्डर ज़्यादा है और बॉटम नीचे की तरफ नैरो होता जाता है। और ये मीन्स बेसिकली क्या होता है, जब ना आप ऑनलाइन ऑर्डर करें ना, तो जो आपके बॉडी का, जैसे कुछ लोगों का शोल्डर ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का बस, कुछ लोग का हिप एरिया ज़्यादा होता है, तो वो साइज़ देख के ऑर्डर करें तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझसे कमेंट में ना पूछा था कि आप कैसे ऑर्डर करती, तो मेरा जो साइज़ है ना, मुझे लगता है यहीं पर सबसे ज़्यादा फंसता है, या कहेंगे सबसे ज़्यादा हाई साइज़ यही है उसके शोल्डर और ये सारी। तो अगर ये प्रॉपर आ जाता तो नीचे आराम से आ जाता। तो बेसिकली मैं बस साइज़ देख के ही ऑर्डर करती हूँ, जनरली मैक्सिमम लोग वही देख के बस साइज के ही अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हैं। वो बॉटम वगैरह के लिए होता है, किसी का हिप आर ग्लास बॉडी साइज होता है ना, शेप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग करते हैं। ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज पहले ड्रेस की बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, तो ये ड्रेस है, रेट मैंने बताया 906, स्मॉल साइज मैंने ऑर्डर किया है, टोक्यो टॉकीज ब्रांड है, फिट एंड फ्लेयर ड्रेस, वन शोल्डर, सुंदर सा लग रहा है, पॉलिएस्टर फैब्रिक है, जिप है, स्लीवलेस है, फाइन मैक्सी, ये सब है इन्होंने बताया है। और ये हमें मिली है ड्रेस। अब ड्रेस की बात करें तो ये वन शोल्डर है, और साथ में यहाँ पे जिप दिया है, ठीक है, और सही है यार, अच्छा लग रहा है। इसका फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, मैं ऐसे बहुत थिन फैब्रिक नहीं, जैसे पतला होता है ना कुछ ड्रेसेस तो वो बेकार ही होता है। फैब्रिक जो ड्रेसेस का फैब्रिक होता है, मुझे लगता है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही पहनते हैं ना, जैसे कुर्ता और शलवार में, तो कुर्ता शलवार दोनों होता है, दुपट्टा भी होता है, बट ड्रेस ऐसे सोलो या अकेले पहनते हैं, तो मुझे लगता है ड्रेस का फैब्रिक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, थिन बहुत ना हो। तो इसका फैब्रिक अच्छा है, एक तो ऐसे भी सी थ्रू नहीं है, और इसमें लाइनिंग भी दी गई है, ये देखें, इसमें लाइनिंग भी दी गई है, लाइनिंग की क्वालिटी भी अच्छी है। तो ड्रेस ऐसे आप उठाएंगे ना तो आपको हैवी लगेगा, ऐसे लगेगा क्वालिटी है। तो 906 के अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लग रही है, मैं पहन के आती हूँ तो ज़्यादा अच्छा आएगा, कि समझ में आएगा कि फॉल कैसा है। वैसे ओवरऑल ऐसे आप क्वालिटी वाइज देखें तो बढ़िया, पहन के फॉल कैसे आ रहा वो पहन के देखती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, साइड में ना बहुत अच्छी सी जिप दी गई, यहाँ से काफ़ी लंबी सी जिप, मतलब यहाँ से लेके ऊपर तक पूरी प्रॉपर जिप है, उससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जा रही है, और बढ़िया सा शेप आ जाता है जिप अगर प्रॉपर लंबी सी हो। और बेल्ट दिया गया है फैब्रिक का पीछे से, तो ऐसे स्लीव्स हैं, आगे पीछे से सेम ही है। फैब्रिक का जो बेल्ट दिया है उसकी जगह मुझे लगता है अगर गोल्डन बेल्ट इसमें लगाना तो और कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये ड्रेस का कलर ऑब्वियसली बहुत डिसेंट है, बढ़िया सा कलर है, और साथ में ना इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मीन्स थिक फैब्रिक है, लाइनिंग भी दी गई है, तो कंफर्टेबल है पहनने में, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अच्छी कौन सा करें, ये वाला ओपन करके, यार ये बहुत छोटी होगी क्या, मुझे अभी देख के मुझे लग रहा। अच्छा पहले मैं इसकी पिक्चर लगा दूँ और फिर बताऊँ कि कौन सी है, ड्रेस कैसी है। ये काफ़ी छोटी होगी, ऐसे देख के मुझे तो ज़्यादा छोटी लग रही है, वैसे आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ऐसे लग रहा था काफ़ी बड़ी है, बट ये देखते हैं, मुझे लग रहा लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा छोटी आएगी। अच्छा चले, वुमेन पिंक फिट एंड फ्लेयर ड्रेस, 1159 इसका रेट है,
साइज मैंने स्मॉल में मंगाया है, बस साइज के अकॉर्डिंग पॉलिएस्टर फैब्रिक है, स्क्वायर नेक है, मिनी। हाँ यार मुझे थोड़ी ज्यादा ही छोटी लग रही है, ऐसे पहन के आऊंगी तो ज्यादा समझू। मुझे ऐसे ऐसे मैंने देखा, मुझे लगा है ये तो बहुत छोटी है, लेकिन अब देखती पहन के आती हूँ। पॉलिएस्टर फैब्रिक है, इस तरह बलून स्लीव्स हैं, अंदर क्या लगा हुआ है, लाइनिंग है क्या? ओके, अंदर इसके स्लीव्स में देखें, इस तरह नेट की लाइनिंग दी गई है, ताकि मुझे लग रहा है ऐसे फूला रहे इस वजह से। ये देख रहे अंदर लाइनिंग दी गई स्लीव्स पे, और नीचे की तरफ ये क्या है बकवास, ड्रेस में लाइनिंग नहीं दी गई है लेकिन स्लीव्स पे लाइनिंग दी गई है। जो बलून स्लीव्स है ना, ये इस पे लाइनिंग दी गई है और ड्रेस में लाइनिंग नहीं है। यार ये मुझे थोड़ा ज्यादा ही छोटा लग रहा है, लेकिन मैं पहन के आ रही हूँ तब समझ में आएगा। रेट तो 1159 काफी ज्यादा है, अब उसके अकॉर्डिंग पहन के आती हूँ फिर समझ में आएगा कैसा आ रहा है। चलो पहन के आते हैं। जब इस ड्रेस को मैंने देखा था ना, मुझे लगा था यार कितनी छोटी सी, बहुत छोटा मुझे होगा ही नहीं, मेरी हाइट 5'6" है, मुझे लगा होगा ही नहीं, काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। लेकिन एक्चुअल में इसकी लेंथ बहुत अच्छी, बहुत क्यूट सी ड्रेस है ये, देखिए तो मतलब जितनी बड़ी मॉडल ने पहना है ना वैसे ये है, और फ्लेयर कितना सुंदर है। अच्छा, स्लीव्स पे इसकी लाइनिंग दी गई है वो नेट वाली, ताकि ऐसे वॉल्यूम आए, फूला फूला रहे, वो अच्छा सा लुक आए। ड्रेस में लाइनिंग नहीं है, फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है तो लाइनिंग भी ज़रूरत है ही नहीं। एक्चुअली ऐसा हैवी फैब्रिक है तो वो अपने आप उसमें जैसे उड़ेगा नहीं ना, जैसे इतनी छोटी ड्रेस होती लगता है उड़ जाएगा, लेकिन ये उड़ेगा नहीं, बस हैवी ड्रेस है। तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बड़ी क्यूट सी प्यारी सी ड्रेस है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत छोटी होगी जब मैंने ओपन किया था, लेकिन ये पहनने के बाद मुझे लग रहा है ये बहुत प्यारी है। नेक लाइन तो स्क्वायर है, इस तरह समझ में आ रहा है। बाकी आप परफेक्ट साइज़ की मंगाएं तो लेंथ बहुत क्यूट सी प्यारी सी, और फ्लेयर इसमें कितना प्यारा सा है, और ये बहुत सुंदर है। है बॉडीकॉन ड्रेस, इसमें देखिए कैसा आया है ये। यार फैब्रिक इनका अच्छा रहता है, अफोर्डेबल भी रेट पे रहते हैं, फैब्रिक अच्छा रहता है। ये स्ट्रेचेबल पॉलिस्टर है, पिक्चर में यहाँ लगा दूंगी, और रेट इसका है 399। साइज मैंने स्मॉल में लिया है, पॉलिस्टर फैब्रिक है, शोल्डर स्ट्रेप्स पैटर्न नेकलाइन है वो, ठीक है, मिनी ड्रेस है ये। मुझे होगा ये मुझे सारे मैं देखी, ये मुझे होगा, मैंने बस साइज के अकॉर्डिंग लिया, ये मुझे होगा, मुझे लग रहा बहुत छोटा होगा। चलो पहन के देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा ये मुझे होगा कि नहीं। फैब्रिक मैंने बता दिया, लाइनिंग नहीं है इसमें। अच्छा लाइनिंग के मुझे लग रहा है फैब्रिक ऐसा क्वालिटी रहता है ना, थोड़ा इसका थिक है तो इसमें लाइनिंग की जरूरत भी नहीं होगी। पहन के आते हैं तो पता चलेगा। इस तरह पैटर्न ये वाला है, स्ट्रैप पैटर्न है, नेकलाइन कौन सा है ये आगे का है, आगे इस तरह थोड़ा सा ये रिबन दिया गया है। अच्छा लग रहा है, पहन के आए तो समझ में आया कि ये मुझे आएगा, मुझे कंफ्यूजन है कि मुझे आएगा, पक्का यकीन नहीं, पहन के आते मैं फिर समझ में आएगा। पर्सनली बॉडीकॉन ड्रेस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता मुझे लगता है कि मेरी बॉडी टाइप पे, लेकिन ये ड्रेस एकदम परफेक्ट फिट आ गई। लेंथ भी सही है, इस तरह स्क्वायर नेक लाइन है, रिबन दिया गया है, और ये थोड़ा सा जो स्लीव्स है ना वो स्ट्रैप पैटर्न ही है, एडजस्टेबल नहीं है, वो फिक्स है उसी पे है। अच्छा ये मुझे लग रहा था पहले बहुत छोटी होगी, बट ये प्रॉपर एकदम लेंथ वगैरह सही आ रही है, लाइनिंग नहीं दी गई है, बिना लाइनिंग के भी फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये मुझे लग रहा था सीक्वेंस वर्क है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है, जैसे मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी तो हाँ यार सीक्वेंस वर्क नहीं है। अब मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा था इसमें इस ड्रेस में ऐसा सीक्वेंस वर्क है, लेकिन ये सीक्वेंस वर्क नहीं है, यहाँ से समझ में आएगा। इसका रेट है 447, साइज मैंने स्मॉल में ही लिया है, फैब्रिक इसका पॉलिएस्टर ही है छूके पता चल रहा है, स्लीवलेस वन शोल्डर वाला है, रैप रैप की तरह, रैप तो नहीं है बस ये मुझे लग रहा है रैप वाला इल्यूजन आएगा, ये है ड्रेस। अच्छा मुझे शुरू में लगा था ना इसमें सीक्वेंस वर्क है, लेकिन ये सीक्वेंस वर्क नहीं है, ये ना पेंट है, ये गोल्डन पेंट है, ऐसे समझ में आ रहा होगा अब, ये गोल्डन पेंट है और लाइनिंग दी गई है पूरी ड्रेस में, ये देखें पूरी ड्रेस में लाइनिंग है। रेट मैंने बताया ना 447, हाँ यही है। ओके देखते हैं, जिप वगैरह नहीं दिया यार, स्ट्रेच होगी, हाँ स्ट्रेचेबल है ड्रेस में, जिप नहीं दी गई है, फिट कैसे आएगा पहन के देखती हूँ।
तब समझ में आएगा चलिए पहन के आती। कोशिश करने के बाद भी ये ड्रेस मैं पहन नहीं पाई क्योंकि इसकी बहुत छोटा, यार ये मुझे आ ही नहीं रहा। इसमें मुझे लग रहा मुझे मीडियम साइज लेती तो मैं पहन पाती, ये मुझे बहुत छोटा हो रहा, मतलब घुस ही नहीं रहा, यहाँ से फंस जा रहा, तो ये पहन ही नहीं पाई। तो मैं क्या ही बताऊँ, फैब्रिक वाइज अच्छा है, मोटा फैब्रिक है, अगर आपको फिट साइज सही आ जाता है तो ये क्वालिटी फैब्रिक बहुत अच्छी है। मतलब ड्रेस में जैसे थिक फैब्रिक होता है ना वैसे अच्छा फैब्रिक है, फैब्रिक अच्छा है लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आया, तो मुझे इसे तो रिटर्न ही करना पड़ेगा। अच्छा अब बताते इसमें से सबसे अच्छा मेरा फेवरेट कौन सा है, तो मेरा फेवरेट ऑब्वियसली ब्लू वाला है और ये वाला भी अच्छा है। अच्छा मेरी, मैं बता रही हूँ ना मेरी बॉडी टाइप ऐसी है इन्वर्टेड ट्रायंगल, तो जो फ्लेयर ड्रेसेस होती है फिट एंड फ्लेयर ऊपर से टाइट और नीचे से फ्लेयर ना वैसी सूट करती है, ऐसे बॉडी कॉन ड्रेस ना मेरा नीचे से देखो तो बॉटम और नैरो हो जाता है। तो आप समझ में आता है कि अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस या कपड़े जाते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे तो सब अच्छे ही लगते हैं ऐसा नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा वही करते हैं जो आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ड्रेसेस या जो भी कपड़े हों। तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला भी बहुत प्यारा क्यूट सा आ रहा था, मुझे लग रहा था इसकी लेंथ बहुत छोटी होगी लेकिन अच्छी लेंथ थी। तो ये दोनों मेरे फेवरेट है, इसकी जो पहनी हुई इसका सब कुछ सही आया, बट ये मुझे बॉडी कॉन ड्रेसेस बहुत समझ नहीं आती क्योंकि मेरा वही बता रही हूँ ना मेरे नीचे ऑलरेडी नैरो होता है तो वो बहुत पतला हो जाता है। ओके आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कुछ कहना है तो कॉमेंट सेक्शन में कहें। बाय।